दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई फ़ोन ऑर्डर करते हो और वहाँ पे लिखा होता है कि आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी, तो इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मैंने ये 2-3 बार ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे ना तो नेक्स्ट डे डिलीवरी मिली, ना ही उसके नेक्स्ट डे डिलीवरी मिली। ये मैं आपको अपने ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाता हूँ, अकाउंट्स में जाके। ये देखिए, मैंने ये एक फ़ोन ऑर्डर किया था, रेडमी नोट 12 प्रो 5G, ठीक है, 256 GB वाला। ये देखिए, ये अराइविंग टुडे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये आना था 17 तारीख को, यहाँ पे देखिए 17 तारीख को आना था, जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था। ना तो ये 17 को आया, ना 18 को आया, और ना ही आज 19 तारीख का, देख सकते हो आप, अभी तक कोई भी अपडेट है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद मैं पीछे जाता हूँ तो बताता हूँ कि इसी के कारण मैंने सेम ऑर्डर किया था कुछ लास्ट वीक, और उसको मैंने कैंसिल कर दिया था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि इन्होंने फेक प्रॉमिस किया था, और फिर 2-3 दिन मेरे को वेट करना पड़ा, फ़ोन नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा चलो एक बार इनको चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, और दोबारा फिर से मैंने ऑर्डर किया। चलो देखिए, अभी तक भी नहीं ये फ़ोन ऑर्डर मेरे पास आया, तो क्या किया जाए इनका। मैंने फ्लिपकार्ट के ट्विटर हैंडल पे और इसके कस्टमर केयर पे सभी पे बात की, लेकिन उनको कोई क्लू ही नहीं है क्या हो रहा है ये। इनका डिलीवरी पार्टनर यहाँ पर आप देख सकते हो, ई कार्ट है यहाँ पर देखिए, और यहाँ से सारा दिखा रहा है पहुँच गया है मेरे पास, लेकिन अभी तक मेरे घर पर पहुँचा ही नहीं। बताओ, एक बंदा आया इनका, कहता कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन ही एक्सचेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना आईफोन एक्सचेंज किया था इसमें, तो कहता मैं सिर्फ एंड्रॉयड ही एक्सचेंज जो है वो कर सकता हूँ अप्रूव एक्सचेंज के लिए, तो जो आईफोन वाला बंदा है वो आएगा बाद में। तो अगर ऐसा था तो इनको मेरे पास तो आईफोन वाला बंदा भेजना चाहिए था ना, तो ये तो कितना अनप्रोफेशनल तरीका है ये। तो अभी देखिए 19 तारीख आज हो गई है, अभी तक मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, 17 तारीख को ही आना चाहिए था। तब क्या किया जाए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो हार के मैंने ये वीडियो बनाया है। शायद कई लोग मेरे जैसे और भी परेशान होते होंगे इनकी हरकतों से, तो अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत आती है फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी के रिलेटेड कि ये फेक प्रॉमिसेस करते हैं, तो आप इस कमेंट में मुझे बताइए, ताकि ये जो वीडियो है लोगों के पास पहुँच सके, जो कि इसको देख सके, और इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके साथ फ्लिपकार्ट वाले जो हैं वो अच्छे से बात कर सके, ताकि बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो ये बहुत ही बुरा एक एक्सपीरियंस है, और इनका जो डिलीवरी पार्टनर ई कार्ट लॉजिस्टिक्स है, इसके लिए मैं अगर मुझे 5 में 6 कोई नंबरिंग देनी हो तो मैं तो इसको 1 स्टार भी ना दूं, लेकिन क्या करें, 1 स्टार देना पड़ेगा। तो ये इतना क्या बताऊं अब मैं, इतना बकवास इनकी सर्विस है, ठीक है जी। तो ये मैंने बताना था आपको।